हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। आज मैं आपको बिट सैट एग्जाम के बारे में बताने वाला हूं। ये एग्जाम जो है वो बिट्स पिलानी कराता है, वो उसका ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट है और इसके चार कैंपसेस हैं। कितने हैं भैया? टोटल चार कैंपसेस हैं। जो पहला कैंपस है वो है बिट्स पिलानी का कैंपस, जो कि पिलानी में है, राजस्थान। NIRF रैंकिंग 29 है, ठीक है जी। इस 29 पर मत जाइए। ये मैं कह सकता हूँ बहुत सारी जो नई IITs हैं, नई NITs हैं, IIITs हैं, उनसे बहुत बेहतर है ये। समझ में आ गई है बात? ठीक है, तो इसको मान सकते हैं कि ये टॉप 15 कॉलेज में आ जाता है, ठीक है जी। आगे देख लेते हैं। अगला है दुबई कैंपस है, ठीक है जी। ये हैदराबाद में भी है और गोवा में भी है। तो इसके चार टोटल कैंपस हैं इंडिया में, ये तीन कैंपसेस हैं, इन्हीं के बारे में हम ज़्यादातर चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं। अगला क्या है भैया? स्पेशल फीचर्स क्या है? वैसे तो यहाँ पर बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो गई, ठीक है। फेस्ट होता है ओएसएस नाम का, बहुत ही शानदार फेस्ट है ना, उसका कुछ ग्लिम्स आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा, बहुत ही खूबसूरत है, ठीक है जी। लेकिन मैं यहाँ पर कुछ और बातें करूँगा, यहाँ पर देख लेते हैं। क्या है पहला? जीरो अटेंडेंस पॉलिसी है वहाँ पे। अगली चीज़ क्या है कि 1 ईयर गैप अब की बार ये दिया गया है, ठीक है। पहली बार ये इंट्रोड्यूस किया है इन्होंने कि आप 1 साल का गैप ले सकते हो, लेकिन अगर आपको अपना स्टार्टअप शुरू करना है तो आपको 1 साल का गैप मिल सकता है, अगर आप चाहते हैं डिग्री के दौरान। जैसे 4 साल की डिग्री है, आपका मन हुआ कि आप सेकेंड ईयर में आ चुके हैं कि मुझे अपना स्टार्टअप करना है, मुझे 1 साल का गैप मिल जाता तो अच्छा होता, तो आपको 1 साल का गैप मिल जाएगा। लेकिन उसके बाद अगर आप डिग्री कंप्लीट करना चाह रहे हैं वहां से, तो 2 साल और आपको पढ़ करके डिग्री लेनी पड़ेगी। आइए अब अगली बात कर लेते हैं। फ्लेक्सिबल टाइम टेबल है, ये बड़ी अच्छी चीज़ है, ठीक है जी। आप अपने हिसाब से प्रोफेसर चुन सकते हैं, टाइम स्लॉट चुन सकते हैं, ठीक है। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। अगला पॉइंट है हमारे लिए बिट सैट से रिलेटेड, जो कि एग्जाम देखिएगा, ये जो हमारा बिट सैट एग्जाम है ये ऑनलाइन मोड में होता है। ये कराता कौन है? बिट्स पिलानी कराता है, क्योंकि इसका पिलानी कैंपस है ना, सबसे बड़ा, सबसे अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट कैंपस है, सही? तो आप बोलोगे सबसे पुराना यही है, तो यही ऑर्गेनाइज कराता है सब कुछ। कौन अपीयर कर सकता है? आपका 12th पास होना जरूरी है, या आप 12th अपीयरिंग हो, अगर अभी आप बोर्ड का पेपर लिखने जा रहे हो तो। एग्जाम डेट कब आ सकता है? तो ये मैंने यहाँ पे एक्सपेक्टेड लिखा है कि मिड मई के आसपास आएगा। ये आप समझ लीजिए कि आपके जेई मेंस सेकंड टर्म के बाद ही ये एग्जाम होगा, ठीक है जी। तो ये मिड मई के आसपास आ सकता है, ठीक है। अगला देख लेते हैं भाई, नंबर ऑफ सीट्स कितनी है। इन चार कैंपसेस की बात अगर हम करें तो ये सीट्स देखने को मिलती हैं। बिट्स पिलानी में टोटल देख लीजिएगा 1000 के आसपास है, गोवा में 850 के आसपास है, हैदराबाद में 1000 के आसपास है, और बिट्स दुबई में 1500, ठीक है जी। यहाँ पर अक्सर वही जो इंडियंस रहते हैं ना दुबई में, उनके बच्चे अक्सर यहाँ पे पढ़ते हैं, वही देखने को मिलता है यहाँ पे। अगला देख लेते हैं। अगला क्या है कि बिट्स सैट के बारे में देखिए भैया, ये बताना है कि कौन कौन से मतलब पार्ट्स होते हैं आपके एग्जामिनेशन में। जो आपका एग्जाम होता है बिट्स सैट, उनमें कितने पार्ट्स होते हैं? उसमें 4 पार्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। पहले देख लीजिए फिजिक्स है, उसके आपको 30 क्वेश्चंस मिलेंगे, केमिस्ट्री के आपको 30 क्वेश्चंस मिलेंगे। जो पार्ट थर्ड है उसमें देखिएगा इंग्लिश, और इसी के अंदर दूसरा हिस्सा है लॉजिकल रीजनिंग का। तो इंग्लिश के 10 क्वेश्चंस आते हैं, 20 क्वेश्चंस आते हैं लॉजिकल रीजनिंग के भी। तो यहाँ पे ना एक बार आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिएगा जरूर, ताकि आपको पता चले किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसके आसपास की थोड़ी प्रिपरेशन आप कर सकते हो। क्योंकि आपको देखो 1, 2 ये 3 चीज़ें तो आती रहेंगी, अगर आप जेई मेंस को ठीक ठाक तरीके से पढ़ रहे हो तो निश्चित रूप से यहाँ का जो कॉन्सेप्ट है वो सब आपको आता होगा। देखो यार, बिट्स पिलानी मतलब ये जो पेपर ले रहा है, इसका पीछे का लॉजिक और रीजनिंग कुछ इस तरीके का है कि यार वो आपकी स्पीड एंड एक्यूरेसी चेक करता है कि आप कितना जल्दी सारे क्वेश्चंस कर पाते हो। तो इसके लिए सबसे अच्छी बात ये है कि आपको पूरा सिलेबस कवर करना पड़ेगा मेरे भाई, ठीक है। ये अच्छी बात नहीं, आपके लिए हो सकता है बुरी बात हो, लेकिन याद रखें अगर आपने कवर नहीं किया है सिलेबस अच्छे तरीके से, तो आपको 300+ मार्क्स नहीं मिलने वाले, क्योंकि हर टॉपिक से लेकर के आएंगे, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन ठीक ठाक है, ठीक है। मैथमेटिक्स के देख लीजिएगा 40 क्वेश्चंस आते हैं, तो टोटल आते हैं 130 क्वेश्चंस। एक खास बात और बताता हूँ, अगर मान लीजिए कि आपने 130 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए, सारे के सारे अटेम्प्ट कर दिए, तो आपको ना अवार्ड के रूप में 12 क्वेश्चंस और ओपन हो जाएंगे, लेकिन ये 130 जो होगा वो लॉक हो जाएगा। जो 12 नए मिलेंगे उनके भी नंबर आपके लिए कंसिडर होंगे, लेकिन सोच के देखो 130 क्वेश्चंस करने होंगे पहले। गलत करते हो सही करते हो अलग बात है, लेकिन प्रश्न यह है, आप 130 अगर लॉक करते हो तो तब जाकर के आपको 12 नए और मिल जाते हैं, क्लियर है जी। ओके, तो ये आपका पूरा पैटर्न है, देख तो आपने लिया ही है। आगे देख लेते हैं भैया, स्कॉलरशिप की बात करते हैं। अगर ये जो आप एग्जाम देने जा रहे हो बिट सैट का, उसके 1% में आते हो ना, तो आपको 100% स्कॉलरशिप
मिलती है, इस पर ट्यूशन फी पर, मतलब आपकी ट्यूशन फी नहीं लगेगी लेकिन हॉस्टल फी या जो भी अतिरिक्त चीज़ें होती हैं वो आपको देनी पड़ेंगी। लेकिन कोशिश करिए मेरे भाई कि 1% में आप आ जाइए, कम से कम इतनी कोशिश कर सकते हैं। ठीक है जी, टॉप 2% स्टूडेंट्स के लिए 40%, यहाँ तक में भी आ गए तभी बहुत अच्छी बात है ना, टॉप 2% तक में भी आ गए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो ये देखिए भैया, 40% तक आपकी ट्यूशन फीस माफ़ हो जाती है। मैं बार बार ट्यूशन फीस पर जोर दे रहा हूँ, ऐसा मैं सोचिए कि कोई पैसा ही नहीं लगा जिसका 100% ट्यूशन फी होगा, नहीं, केवल ट्यूशन फीस नहीं लगेगा, बाकी तो रहेगा ना, कैंपस में रहने खाने की फीस तो लगेगी, हॉस्टल फीस वगैरह। आइए अगली चर्चा है हमारी फीस स्ट्रक्चर पर। देखिएगा फीस स्ट्रक्चर जो है कुछ इस तरीके का है, एक बार देख लीजिए ध्यान से। ट्यूशन फी एंड मेस फी मैंने मिला के दे दिया क्योंकि आप वहीं रहने वाले हो कैंपस के अंदर ही, तो जो फर्स्ट ईयर है उसमें अप्रॉक्स 380 के आसपास होगा। अब ऐसा ना हो कि भैया 375 ही लगता है, 385 लगता है, ये मैटर नहीं है, क्योंकि आप अगर वहाँ पे जा रहे हो तो निश्चित रूप से आप ये सोच करके जाओगे ये क्या है, अच्छा कॉलेज है और थोड़ा ना महंगा है, थोड़ा महंगा जरूर मैं कहूँगा, है ना, थोड़ा सा महंगा है, इस वजह से आप उस 5-10 हज़ार के चक्कर में नहीं रुकने वाले हो। तो यहाँ पर 380 हज़ार रुपये फर्स्ट ईयर की फीस होने वाली है, जिसमें से 50 हज़ार रुपये ना वो वन टाइम पेमेंट की चीज़ होती है, तो यहाँ पर वो फर्स्ट ईयर में ही ले लेते हैं, इस वजह से आपको फर्स्ट ईयर वाली फ़ीस थोड़ी ज़्यादा दिखती है। सेकेंड ईयर वाली फीस इससे कम होगी, भैया 50 कम होने पे 30 नहीं होना चाहिए था, नहीं, अगले साल पे क्या होता है कि थोड़ी फीस वो बढ़ा देते हैं, उनकी जो ट्यूशन फीस होती है वो हर साल 11 से 12 हज़ार रुपये बढ़ती जाती है। ठीक है, तो ये मैंने सेकेंड ईयर का लिख दिया। इसी तरीके से थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर पर आप करीब करीब 15 हज़ार जोड़ सकते हैं। आगे बढ़ जाता हूँ मैं, अगली चीज़ क्या है मेरे भाई, अगला पॉइंट है हमारा प्लेसमेंट। ठीक है जी, सबसे खूबसूरत चीज़ तो सर यही है ना, और अच्छा खासा प्लेसमेंट यहाँ पे देखने को मिलता है। मैंने बोला था ना कि IIT के आसपास की रेंज का ये देता है, जो नई नई IIT जब ही खुली हुई है, देख लीजिए हाईएस्ट पैकेज गया हुआ है 1.3 crore का। और मैं आपको बता दूँ, जितने भी अच्छी कंपनियाँ आपने सुन रखी होगी, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल है ना, एडोबी वगैरह, ये सारे कैंपस विजिट करते हैं क्योंकि ना इनका एलुमनाई नेटवर्क बहुत ही शानदार है। तो जब एलुमनाई नेटवर्क शानदार होता है ना, तो उसका फ़ायदा ये होता है कि वही लोग जो है कंपनीज में अच्छी जगहों पर बैठे होते हैं, तो वो निश्चित रूप से कॉलेज को थोड़ी सी प्रेफरेंस देते हैं ना। आप तो कहोगे भैया अगर मेरा वहाँ नहीं हुआ तो इसका मतलब वो जो एलुमनाई है वो हमें सपोर्ट नहीं करेंगे, निश्चित रूप से थोड़ा कम ही सपोर्ट मिलने वाला है ना, इनको ज़्यादा मिलेगा, हर आदमी अपने कॉलेज को निश्चित रूप से प्रेफर करता है। ठीक है जी, अगला क्या है, एवरेज पैकेज फॉर CS। CS के लिए जो एवरेज पैकेज है वो 25 लाख प्लस है। ठीक है, 25 लाख के आसपास का तो देखिए भैया तय हो जाता है अगर आप CS के लिए वहाँ पर एलिजिबल हो जाते हो, आपकी एडमिशन हो जाती है। भैया मेहनत लगती है, अभी दिखाऊंगा आपको कट ऑफ, तब समझ में आएगा कि रियलिटी क्या है। चलिए उसे वाकिफ करा देता हूँ, कट ऑफ की बात करें देख लीजिए, यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत है पिलानी, हैदराबाद एंड गोवा का। CS की मैं बात कर लेता हूँ, CSE के लिए आप देखिए इतने नंबर लाने पड़ेंगे मेरे भाई। ठीक है जी, तो देख लीजिए सबसे ज़्यादा आपको यहीं पिलानी में दिखेगा, इसके बाद हैदराबाद एंड गोवा का लिखा हुआ है, इसके बाद यहाँ पे देखिए EEE का, ECE का एक बार देख लीजिए क्योंकि ज़्यादातर इंटरेस्टेड आप इन्हीं में होते हैं। इसके बाद देखिएगा एक नई चीज़ आपको दिखेगी यहाँ पर, MSc इकोनॉमिक्स एंड MSc मैथ्स। ठीक है जी, इसकी भी ठीक ठाक प्लेसमेंट हो जाती है, तो इनके देख लीजिएगा नंबर वाइज। यहाँ पे सीक्वेंस में मैंने लिखा हुआ है कि किसके लिए आपको कितनी रैंक्स लानी है। ठीक, तो सिविल के लिए भैया सबसे कम नंबर पर आपके यहाँ पर एडमिशन हो जाएंगे, तो भैया कौन जाना चाहेगा वो आप निश्चित रूप से सोच सकते हैं। ओके, तो इसलिए मेहनत करिए ताकि आप इस वाली कैटेगरी में निश्चित रूप से जाइए, कंपटीशन ज़्यादा है भैया, करीब ना 3.5 लाख के आसपास बच्चे देते हैं, 3 से 3.5 लाख बच्चे देते हैं, अच्छा खासा कंपटीशन आपको देखने को मिलता है पूरे 4000 सीट के लिए अगर आप चारों कैंपस में ला लो तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट क्या भैया, स्ट्रेटजी टू क्रैक बिट सेट। लेकिन मैंने लिखा कि टारगेट भैया जिसका है 300+, उनके लिए ये बातचीत मैं कर रहा हूँ। ठीक, पहली बात जो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ वो ये है कि आपको कंप्लीट सिलेबस करना पड़ेगा, और आपको जो आपके NCERT मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री, ठीक है, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन तीनों के लिए जो NCERT में सिलेबस है उतना ही सिलेबस आता है। लेकिन मैं ये निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि जो JEE मेंस का लेवल है मैथ का, करीब करीब वही लेवल इनका भी है, फिजिक्स का भी करीब करीब लेवल वही है, बल्कि ना थोड़ा सा कम होता है, बिट सैट का थोड़ा सा लेवल कम होता है आपके JEE मेंस से। ठीक है, और केमिस्ट्री के लिए तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि NCERT के बाहर का ये सवाल ही नहीं पूछते, पूरा का पूरा आपको NCERT से हर एक सवाल दिख जाएगा। तो आप चाहें केमिस्ट्री के लिए नीट लेवल के क्वेश्चंस कर सकते हैं, या JEE मेंस वाले भी चल जाएंगे क्योंकि वो भी करीब करीब उसी लेवल के ही होते हैं। एक मॉक टेस्ट आपको जरूर देना, क्या होता है कि आपको ना प्रैक्टिस आपने किसकी करी होती है, JEE मेंस की करी होती है, कभी आपने बिट सेट से रिलेटेड कोई मॉक टेस्ट नहीं दिया होता है,
कभी आप उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ज़्यादा टच नहीं करते हैं, तो इसलिए जब भी आपका ये जेई मेंस का सेकंड वाला टर्म खत्म हो उसके जस्ट बाद इनको डाउनलोड करिए और इस पर थोड़ा सा लग जाइए, 10-15 दिन दीजिएगा, इससे काम आपका बन जाएगा। ठीक है, ओके, अगला देख लेते हैं। एग्जाम्पलर आपको केमिस्ट्री के लिए जरूर सॉल्व करके जाना है, क्योंकि ऐसा देखा जा रहा है एग्जाम्पलर के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा वो देते हैं, तो इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपको क्या करना है, कम से कम केमिस्ट्री के लिए तो एग्जाम्पलर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर तक आप निश्चित रूप से देख लेंगे। ठीक है, अगली चीज़ क्या है, ये क्या है, गेम ऑफ स्पीड एंड एक्यूरेसी। ठीक, बहुत तेज़ी से आपको सॉल्व करने पड़ेंगे और एक्यूरेसी मेंटेन करनी पड़ेंगी। मतलब क्या है ना कि इसका जो लेवल है बहुत ज़्यादा नहीं है, आप ऐसे कह सकते हो कि मॉडरेट और इजी के आसपास है, अगर हम जेई मेंस के रिस्पेक्ट में देखें तो। ठीक है, तो बहुत टफ क्वेश्चंस तो यहाँ पे नहीं आने वाले, लेकिन मॉडरेट है ना यार, तो मॉडरेट से भी काम आपका रुक जाता अगर आपने अच्छा खासा पढ़ा नहीं होता है। ठीक है जी, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, और किसी भी आपको एग्जाम के बारे में जानना हो आप कमेंट करिएगा, मैं निश्चित रूप से आपको बताने वाला हूँ। मिलता हूँ आप अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए, बाय बाय, टेक केयर।